गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हेयर स्टाइलर का रिव्यू। ये न्यूली लॉन्च हेयर स्टाइलिंग अप्लायंस है, विच इज़ फ्रॉम वेगा। इनका जो 3-in-1 हेयर स्टाइल, जिसमें आपको स्ट्रेटनर, क्रम्पिंग और कर्लर एक साथ मिल रहा है, उस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये है वो प्रोडक्ट, इसका बॉक्स मैंने खो दिया है, सॉरी फॉर दैट। बट आप चाहे तो इसका बॉक्स मैनुअल का मैं एक पिक्चर आपको यहाँ पर अपने लगा दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं पहले बहुत दिनों से एकदम ट्राई करने के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ। या सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये इस तरह से है। ये आपको कर्लर के लिए दिया है, देन यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है जिसको आप लेफ़्ट राइट स्विच करने से इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किसे, अगर आप जैसे एक क्लोज़ करते हैं तो पूरे आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ ही आएगा प्रोडक्ट, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ ऑन ऑफ का बटन है जिससे यहाँ पे लाइट जल जाएगा जब आप ऑन करेंगे, और ये ऑफ है। इसमें टेम्परेचर का नहीं दिया हुआ है, बट इसका टेम्परेचर अराउंड 230 डिग्री तक, 230 या 1 तक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल मेंशन कर दूँगी और मैनुअल का फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप खुद चेक कर सकते हैं जो उसका बॉक्स है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसे कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ। रिव्यू देने से पहले मैंने सोचा इसको एक दो बार ट्राई किया जाए, तो मैंने इसे ट्राई किया है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं अभी आपको आपके सामने भी ट्राई करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करता है, कैसे स्ट्रेटन करता है, कैसे क्रम्पिंग करता है। और कर्ल्स का तो आप देख ही रहे हैं, ये मैंने अभी उसी से कर्ल्स किया है, पूरे हेयर्स को आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से कर्ल्स कर लिया है। और लॉन्ग लास्टिंग तक ये कर्ल्स रहते हैं, लाइक 4-5 आवर्स डेफिनेटली रहते हैं। कोई भी इवेंट के लिए आप इस तरह का लुक क्रिएट करते हैं तो उतना टाइम आई थिंक इनफ है। और अगर आप इससे ज़्यादा चाहिए तो आप स्प्रे कर लीजिए, बट आई प्रेफर्ड कि आप इसे नॉर्मल रखिए, तो भी ये काफ़ी अच्छे, यू नो, काफ़ी देर तक टिक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटनर को हीट अप कर लिया है। सबसे पहले मैं करूँगी स्ट्रेट, तो यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है ये ऐसे खुल जाता है लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे ये स्ट्रेटनर मैंने कर लिया है। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे करोगे, किस डायरेक्शन में क्या है। तो ये देखिए स्ट्रेटनिंग वाला खुल गया है। अपने हेयर का एक पार्ट ले रही हूँ, देख सकते हैं थोड़ा वेवी है अभी, और इसे मैं थोड़ा सा कॉम्ब कर लूँगी ताकि स्ट्रेट अच्छे से हो जाए। स्ट्रेटनर ले करके द बेस्ट पार्ट आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, ये हीटअप नहीं होता है। देख सकते हैं ये कितने अच्छे से इसको स्ट्रेट किया है, इसको बहुत अच्छे से। और एक हल्की सी शाइन भी ऐड ऑन हो गई है मेरे हेयर्स में, वो आप देख सकते हैं। तो या स्ट्रेटनर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसमें स्ट्रेटनर इसका काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। नाउ ट्राई करते हैं क्रम्पिंग को, मैं इसी हेयर्स पे क्रम्पिंग करूँगी, ये क्रम्पिंग। एंड क्रम्पिंग के लिए मैं बहुत थोड़े से बाल ले रही हूँ। कैन यू सी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है क्रम्पिंग तो, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। क्रम्पिंग तो बहुत बहुत अच्छे से कर लिया इसने, बहुत प्यारे लग रहे हैं। नाउ हम कर्ल ट्राई करेंगे। कर्ल के लिए मैंने इसको सेंटर में कर दिया ताकि बीच का ना खोले, और ये ऐसे हमारा कर्ल।
Look at that curls. They are looking stunning, very beautiful. देखा आपने कितनी अच्छे से इसने मेरे पूरे हेयर्स को ब्यूटीफुली कर्ल्स कर लिया। बहुत प्यारे लग रहे हैं और मैंने इसे पहले भी यूज़ किया है कर्लर को स्पेशली, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ देर में ही इसकी कर्ल्स स्ट्रेटन अप हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ घंटे ही रहता है, मतलब 3 से 4 घंटे इजीली। तो मुझे तो ये स्टाइल अप बहुत पसंद आया है। होप आपको इसका रिव्यू भी पसंद आया होगा। एंड होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।